ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश की पहली स्मार्ट सिटी यानी कि धर्मशाला में जल्द ही मोबाइल ऐप से चलने वाले स्मार्ट बाइक्स मिलेंगे। इन बाइक्स में जीपीएस सिस्टम भी लगाया जाएगा। बताया जा रहा है कि धर्मशाला शहर में बाइक शेयरिंग सिस्टम के तहत लोगों को ये सुविधा प्रदान की जाएगी। जैसे ही शहर से बाहर बाइक को ले जाया जाएगा, बाइक अपने आप बंद हो जाएगी। बाइक शेयरिंग मोबाइल ऐप में 1 किलोमीटर के हिसाब से पैसे काटे जाएंगे। धर्मशाला स्मार्ट सिटी प्रशासन ने इन बाइक्स के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। धर्मशाला शहर में बाइक शेयरिंग सिस्टम के तहत लोगों को ये सुविधा प्रदान की जाएगी। जैसे ही शहर से बाहर बाइकों को ले जाया जाएगा, वे वहीं बंद हो जाएंगी। बाइक शेयरिंग मोबाइल ऐप में किलोमीटर के हिसाब से पैसे काटे जाएंगे। धर्मशाला स्मार्ट सिटी प्रशासन ने इस बाइक के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब जल्द ही शहर में बाइक शेयरिंग की सुविधा पर्यटकों को उपलब्ध हो सकेगी। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी के विकास को रफ्तार देने के लिए स्मार्ट बाइक भी जल्द शहर में लॉन्च की जाएगी। इसके तहत धर्मशाला शहर में पहले चरण में मुख्य स्थानों जैसे कोतवाली बाजार, कचहरी, मकलोटगंज, भागसुनाग सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर बाइक शेयरिंग सिस्टम शुरू किया जाएगा। इसके तहत 100, फिर 200 और डिमांड बढ़ने पर 300 तक बाइक शहर में चलाई जाएंगी। जानकारी के अनुसार शहर में लोग आवाजाही के लिए स्मार्ट बाइक का इस्तेमाल भी कर सकेंगे, लेकिन इससे पहले उन्हें अपने मोबाइल पर एक ऐप डाउनलोड करनी होगी। फिर कंपनी द्वारा ऐप में ही कोड भेजा जाएगा। कोड को बाइक में लगे सिस्टम में अंकित करने पर वह स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जितने किलोमीटर पर वह तय करेगा, उसी आधार पर ऐप से खुद ही पैसे कट जाएंगे। बाइक को सुरक्षित रखने और किसी और द्वारा गलत इस्तेमाल से बचाने के लिए जीपीएस सिस्टम भी अपलोड किया जा रहा है, जिसके तहत जहां भी बाइक जाएगी वहां पर कंपनी की नजर रहेगी। वहीं बाइक में ऐसा सिस्टम रखने की योजना बनाई गई है जिसके तहत बाइक को धर्मशाला शहर से बाहर ले जाते ही वे बंद हो जाएगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कंपोनेंट था जो बाइक शेयरिंग, और वो पीपी मोड पे वो प्रोजेक्ट था। उसमें धर्मशाला स्मार्ट सिटी ने अभी उसमें टेंडर लगाया हुआ जो कि लगभग 1.5 करोड़ का, 1.5 और 2 करोड़ के बीच में है। उसमें हमें धर्मशाला में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। जो बाहर का टूरिस्ट आएगा वो अपनी गाड़ी खड़ी करके और शहर के कहीं भी उसने घूमने जाना तो बाइक को ले जा सकता है। और जो एरिया मेंशन होगा कॉरपोरेशन से बाहर, जैसे धर्मशाला जैसे बाहर जाएगा तो बाइक जो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। और उसके लिए उनको थोड़ा सा अपनी सिक्योरिटी, जो बाइक जब लेंगे तो उसकी सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी, और वो बाइक को धर्मशाला में कहीं भी घुमा सकते हैं। थैंक यू सर। युवा होटल व्यवसायी धर्मशाला मोहित ने बताया कि स्मार्ट सिटी द्वारा ये प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, बहुत ही सराहनीय है। इससे हमारे पर्यावरण में जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं वे भी कम होंगे। उन्होंने कहा कि टूरिस्ट सीजन में जो ट्रैफिक का कंजक्शन होता है उससे भी निजात मिलेगी। देखिए, ये बहुत ही एक स्मार्ट कदम है जिसको हम बोल पाएं। इससे धर्मशाला को और जो यहाँ हमारे आसपास के इलाके हैं इसको बहुत ज़्यादा एक बूस्ट मिलेगा इकोनॉमिकली। इससे हमारी जो पर्यावरण की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है, उसमें काफ़ी कमी आएगी। हमारे प्रदूषण के स्तर नीचे हो जाएंगे और जो हमारे जो व्हीकुलर ट्रैफिक है ये काफ़ी कम हो जाएगा। इससे हमारी जो एक जगह से दूसरी जगह पीक सीजन पे पहुंचने का टाइम है, ट्रांजिट टाइम, वो काफ़ी कम हो जाएगा। जो हमारे आ रहे हैं टूरिस्ट आ रहे हैं, उनका जो दो दो तीन तीन घंटे फंसने की जो समस्याएं आती हैं कई बार ट्रैफिक में, वो उस पर काफ़ी निजात मिलेगा। और ये बहुत सराहनीय एक कदम उठाया गया है हमारे स्मार्ट सिटी प्रशासन द्वारा, तो हम आशा करते हैं ये जल्दी से लागू हो और इसका सभी लाभ उठा पाएँ। थैंक यू।